प्रॉब्लम था, यहाँ लड़का लोग आके बाइक उड़ाता था, लड़की को सीटी मारता था। बिहार में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्र छात्राओं के नाम काटे जा रहे हैं। जो छात्र लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं, स्कूलों से उनके नाम काटने के आदेश जारी किए गए हैं। लखीसराय से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां शहर के KRK हाई स्कूल के मैदान में स्थित विज्ञान भवन में चल रहे दुर्गा गर्ल्स स्कूल की 484 छात्राओं के नाम काटे जाने के बाद बवाल हो गया। लड़कियों ने मेन रोड जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा, जिसके चलते यातायात घंटों तक बाधित रहा। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बैठने की जगह नहीं है। छात्राओं ने छेड़खानी की भी बात की। उन्होंने कहा कि लड़के सीटी मारते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं आती हैं। सर, हम लोग का स्कूल से नाम काट दिया गया था, सारी लड़की का नाम काटा था, इस कारण कि हम लोग स्कूल ले आए। तो हम लोग स्कूल इसलिए नहीं आते थे क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं था, ना बैठने का थी था, ना कुछ और चीज़। ऊपर से यहाँ लड़का लोग बहुत बदमाशी करता था, तो इसीलिए हम लोग नहीं आते थे। तो हम जब नहीं आते थे ना सर, तो हम लोग का नाम काट दिया गया। सारी लड़की को इस कारण प्रॉब्लम था, लेकिन कोई कुछ बोली नहीं। अगर उसी टाइम बोलती तो शायद ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता, लेकिन हम लोग का सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया है। तो हम चाहते कि अभी लोग शांत हो जाए। लोग का भी और भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम देख लेंगे, बाकी सर सब कुछ ठीक हो गया। सर का हम धन्यवाद करना चाहते कि हम लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन किए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ लड़का लोग आके बाइक उड़ाता था, लड़की को सीटी मारता था। कितना बार तो लड़की के ऊपर बाइक गिर जाता था, कोई लड़की अच्छा से फ्रीडम नहीं रहती थी, लेकिन अब सब कुछ सेफरेट हो चुका है सर। आपको बता दें कि नाम कटने में 10वीं की छात्राएं सबसे ज्यादा हैं। आक्रोशित छात्राओं ने कहा कि शुक्रवार से स्कूल में परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा से ठीक पहले नाम काट दिया गया है। इस मामले में स्कूल की प्राचार्या कुमारी अर्चना ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अनुपस्थित छात्राओं के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं। दुर्गा गर्ल्स स्कूल में कुल 986 छात्राओं का नामांकन है। वस्तु स्थिति यही है कि आज से परीक्षा शुरू थी और बच्चों का नाम काट दिया गया था, और पूर्व में भी बच्चों को सूचना दी गई थी कि बच्चे जो लगातार विद्यालय में अनुपस्थित हैं वो शपथ पत्र बनवा कर दें कि वो किस कारण से विद्यालय से अनुपस्थित है और भविष्य में वो अनुपस्थित नहीं होगी या इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए बच्चों को समझा कर यहाँ से भेजा गया। ऐसा कोई नियम है क्या शपथ पत्र देगा नामांकन के बाद? जैसा विभागीय आदेश जो हमको मिला है उस अनुसार से। मैडम, बच्चों का एक ऐसा भी है कि यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, इस वजह से वो लोग आ नहीं पा रहे। इसका तो विभाग जवाबदेह है ना, और इसके लिए जिस समय नामांकन होता है, मैं सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के संसाधन को देखते हुए ही बच्चों का नामांकन हो। वह इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी विमलेश कुमार चौधरी ने फोन पर बताया कि अपर मुख्य सचिव के दिए गए निर्देश के आलोक पर कार्रवाई की गई है। हालांकि जिन छात्राओं के नाम स्कूल से काटे गए हैं, उनका फिर से नामांकन हो सकता है। इसको लेकर विमलेश कुमार चौधरी ने बताया कि शपथ लेकर पुनः नामांकन करने का प्रावधान भी है, लेकिन उसके लिए छात्राओं को शपथ पत्र देना होगा।